कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुमसे मेरे साथ सब्र नहीं हो सकेगा? उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बाद फिर कोई बात पूछूं यानी एतराज करूं तो मुझे अपने साथ न रखिएगा। क्या आप मेरी तरफ से उज्र के कबूल करने में हद को पहुंच गए हैं? फिर दोनों चले यहां तक कि गांव वालों के पास पहुंचे और उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी ज़ियाफ़त करने से इनकार किया। फिर उन्होंने वहां एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी, तो खिज़र ने उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो इनसे इसका मुआवजा ले लेते ताकि खाने का काम। खिज़र ने कहा कि अब मुझ में और तुम में अलाहिदगी, मगर जिन बातों पर तुम सब्र न कर सके मैं उनका तुम्हें भेद बताए देता हूं कि वो जो कश्ती थी गरीब लोगों की थी, जो दरिया में मेहनत करके यानी कश्तियां चलाकर गुजारा करते थे, और उनके सामने की तरफ एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था, तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं ताकि वो उसे गस्ब न कर। था उसके मां बाप दोनों मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बद किरदार होगा तो कहीं उनको सरकशी और कुफर में ना फंसा दे, तो हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उसकी जगह उनको और बच्चा अता फरमाए जो अखलाकी पाकिजगी में बेहतर और मोहब्बत में ज्यादा करीब हो। सो दो यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे और उसके नीचे उनका खजाना दफन था और उनका बाप एक नेक आदमी था, तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर अपना खजाना निकालें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके। से ज़ुल्करनैन के बारे